शिवम। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से मिल रही है। मजदूरों से भरी बस नदी में जा गिरी है। हादसे में 11 मजदूर घायल हुए हैं। अंबिकापुर बसपुर मुख्य मार्ग पर कुंवरपुर मोड़ पर यह हादसा हुआ। पंजाब से बलौदाबाजार के लिए दरअसल बस जा रही थी, स्टीयरिंग जाम होने की वजह से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं, बिलासपुर मुख्य मार्ग पर कुंवरपुर के पास यह हादसा हुआ। पंजाब से बलौदाबाजार ये बस सवारियों को लेकर जा रही थी और इसी दरमियान ये हादसा हो गया और नतीजतन बस नदी में जा गिरी, जिसमें 11 मजदूर घायल हुए हैं। मजदूरों को लेकर यह बस जा रही थी पंजाब से बलौदाबाजार, और बलौदाबाजार पहुंचने से पहले ही बस की स्टीयरिंग जाम हो गई और इसके बाद ये घटना हुई, जिसके चलते ये बस नदी में जा गिरी। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अंबिकापुर से ये तस्वीरें हमें मिली हैं, जहां पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और स्टीयरिंग जाम होने की वजह से नदी में ये बस जा गिरी। राम कुमार यादव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम कुमार, क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास? जी बता दूं, ये जो प्रवासी मजदूर हैं 32 की संख्या में बस में बैठे हुए थे, ये पंजाब से बलौदा बाजार अपने जो निवास है, गृह निवास जा रहे थे कि अचानक लखनपुर मोड़ के पास बस जो है अनियंत्रित होकर 20 फुट नीचे खाई में गिर गई। ये चुल्हन नदी जो बताया जाता है, चुल्हन नदी है जो काफी पानी जिसमें भरा रहता है, वहां उस 20 फुट उस खाई में उसमें गिर गई, जिससे कि क्या 11 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। लोग तो वैसे भी कुछ और भी लोग घायल हुए थे जिनको मामूली चोट आई, लेकिन जो जिन 11 लोगों को गंभीर चोट आई है उन्हें पहले उदयपुर लखनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें तत्काल अंबिकापुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इनका इलाज जारी है, जिनमें से 4 की हालत जो है काफी गंभीर बताई जा रही है। रामकुमार, इस तरह की बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिल जाता है? जब इनकी बसों की हालत इतनी खराब है, इतनी दुर्दशा है बसों की, तो फिटनेस सर्टिफिकेट इन्हें कैसे मिलता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आरटीओ विभाग की कुछ लापरवाही भी देखने को मिलती है। बस की जो हालत है कंडम स्थिति रहती है, बावजूद इसके उन्हें जो है फिटनेस का जो दे दिया जाता है, जिसके कारण वो सड़कों पे दौड़ती हैं और बेतहाशा रफ्तार में उन्हें दौड़ाया जाता है। जो ड्राइवर से जहां तक हमारी बात हुई थी, तो ड्राइवर का कहना यह है कि जब वो मोड़ काट रहे थे, टर्निंग पे मुड़ रहे थे, तो किसी तरह का आवाज आने के साथ ही उनका स्टीयरिंग जो है वो फेल हो गया। और उनके कहने अनुसार राड जो है, स्टीयरिंग राड है, वो टूटने की आवाज आई और गाड़ी की जो स्टीयरिंग है फेल हो गई और वो मोड़ नहीं पाए, काट नहीं पाए टर्निंग और जाकर सीधे जो है खाई में गिर गई बस। चलिए, बहुत शुक्रिया राम कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार